जोरदार तालियों से आइए, हम उनका अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का इस ऐतिहासिक नगरी अमरकंटक में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी को ध्वज सौंपा जा रहा है। अब ध्वज सौंपकर आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। बोलिए नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। ध्वज स्थापना और कलश स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी साथ में हैं, और साथ साथ में मां नर्मदा की मूर्ति के समक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन कर रहे हैं। आज नमामि देवी नर्मदे नर्मदा सेवा यात्रा के अमरकंटक से आरंभ होकर पुनः अमरकंटक पुनर्गमन के बाद ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और हमारा परम सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जी मौजूद, लाखों लोगों का अभिवादन करते हुए, स्वीकार करते हुए अभिवादन उनका। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज। ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि आज से भारत में नदियों के पुनरुद्धार के लिए एक नई कल्पना और एक नई तैयारी के साथ एक नई शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी अमरकंटक के इस मंच से करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। स्थानीय सांसद ज्ञान सिंह जी, प्रभारी मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, अध्यक्ष आचार्य महासभा, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी भगत सिंह कुलस्ते जी, केंद्रीय मंत्री महोदय, प्रभारी मंत्री श्री संजय पाठक जी के साथ यहाँ मौजूद हैं, और अब हजारों लाखों की संख्या में मौजूद यहाँ सभी लोगों का अभिवादन माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, और इस स्वागत की परंपरा में मैं विनम्र आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप पुष्पगुच्छ के साथ सभी की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश में स्वागत स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, और साथ में मां नर्मदा सेवा यात्रा की ये स्पेशल शॉल और स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री